नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपका? आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी विद क्यों। चलिए एक बार फिर से आपसे रूबरू होते हैं और बहुत लंबे गैप के बाद आपसे एक बार फिर से मिलने वाले हैं। और आपकी आज से रेगुलर क्लासेस रहेंगी उसी टाइम पर। 1 बजे आपका रहेगा बाल विकास और 3 बजे आपका पर्यावरण। ठीक है, रेगुलर आपको अब क्लास मिलने वाली है। अभी थोड़ी शादी की वजह से क्या हुआ था, आपकी क्लासेस ऑफ थी मेरी। ठीक है, और तो मिली थी आपको क्लासेस, सर वगैरह ने ली थी। ठीक है, तो चलिए आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन, और रेगुलर चलेगा। ठीक है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम क्या है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम बाल विकास में 13 जनवरी का करेंगे, 2022 में जो हुआ था आपका पेपर। ठीक है, ऑनलाइन में तो उसको बात करने वाले हैं। चलिए, तो बात करने वाले हैं, थोड़े इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये रामबाण पीडीएफ, ये समझ लो, ये रामबाण पीडीएफ है। ये रामबाण पीडीएफ कितने पेज की है, लगभग लगभग आपका है कितने की है, 1320 पेजेस की है लगभग। इतने पेजेस हैं इसमें, 800 MCQ हैं, और सभी को डायग्राम के माध्यम से एकदम बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने इसमें पूरा पढ़ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी सभी इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आपके, 800 क्वेश्चन याद रखना। कितने हैं आपके, 800 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या है, और भी चीजें खास क्या है आपके लिए, जो 800 ये थ्योरी है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपको किसमें मिल जाएंगे, आपको ये आपको डिटेल में वीडियो पूरा थ्योरी का मिलेगा, कम से कम 4-5 पार्ट में, वो भी 3-3 4-4 घंटे के वीडियो। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू के भी मिलेंगे आपको 3-4 वीडियो, मैराथन क्लास मिलेगी 3-4, और ये सभी जो वीडियो मिलेंगे ये लगभग 8 वीडियो मिलेंगे आपको, 8 वीडियो मैराथन में मिलेंगे, और जिसमें 4 थ्योरी के होंगे और 4 होंगे आपसे एमसीक्यू के, 800 MCQ। इसमें आपका पूरा डायग्राम डिटेल के साथ मैं खुद समझाऊंगा आपको ईबीएस का। ठीक है, तो ये आप बहुत जल्दी से आप परचेस कर लें। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, ऐप पर मिलेंगे। जिसने भी ऐप परचेस कर लिया हो, ये वाला 49 में मिलने वाले हैं। कितने में, 49, और ये आपको ऑफर सिर्फ कितने दिन तक है, 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद इसकी जो प्राइस होगी कितनी हो जाएगी, 99 रुपए। ठीक है, तो आप लोग फिर नहीं कहना कि सर आपने 99 कर दी, क्योंकि ये आपको 49 में अभी मिल रहा है। जिसने नहीं खरीदा हो तुरंत खरीद लें, क्योंकि 10 तारीख के बाद इसका 100 रुपये हो जाएगा, 99। इसके बाद और भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको 10 के पहले पहले खरीदना है। 10 तारीख तक आपको ये सारे वीडियो डिटेल के साथ मिल जाएंगे, मैं खुद समझाऊंगा। 800 MCQ का 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं, वो ये टेस्ट वगैरह है आपको 99 के, टॉप लेवल के टेस्ट हैं, इनको भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसने भी परचेस नहीं किए हो। ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है। ठीक है, इतना आ गया, चलिए स्टार्ट करने वाले हम अपना वीडियो। तो आज का जो पेपर रहेगा हमारा 13 जनवरी, कब का रहेगा दोस्तों, तो ये है हमारा पेपर 13 जनवरी का। ठीक है, 13 जनवरी का पेपर है आपका। ठीक है, सभी लोगों ने मिस किया होगा बहुत सारा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना ही ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलो अब आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। 23 में जो पेपर हुआ था उसके हैं ये, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30, 15 पेडागोजी और 15 सिंपल क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। तो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास बाल विकास का क्षेत्र है, क्षेत्र बाल विकास का है, इनमें से कौन सा है, कोई बताएगा। एक एक अवैज्ञानिक होता है, ये है क्या, तो एक एक नहीं होता है, एक सा नहीं होता विकास, अवैज्ञानिक नहीं होता, वैज्ञानिक होता है, क्योंकि क्रम से चलता है। पहले बच्चा अपना सिर पर नियंत्रण करता है, फिर हाथ पर, और फिर पैर पर, तो ये तो होगा गलत। स्थिर नहीं होता है, और प्राचीन अस्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट होता है। ये होगा आपका क्या है, अंतर विषयक और गतिशील होता है, हमेशा पढ़ा होगा ना, विकास का क्रम, क्रम अनुसार सिद्धांत, क्रम से चलता है विकास, गतिशील होता है, विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, कि एक पहले चीज एक पकड़ता है फिर अलग अलग। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, बिल्कुल आप लोगों ने लंका लगाई होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं हम, इसका आंसर बताएं आप लोग। बाल विकास की अवधि का सही क्रम बताएं, जब बाल विकास होता है तो कौन कौन सी अवधियों में बांटा गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, रॉस ने अलग बांटा था, और भी अलग अलग हैं, तो इनमें कोई बताएगा कौन सा होगा। शैशवावस्था पहले आती है क्या, तो ये गलत होगा। ठीक है, जिस शैशवावस्था ये पहले नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद गर्भावस्था से पूर्वावस्था किशोरावस्था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आती है। क्या होगा आपका सही, सही होगा डी, क्योंकि गर्भावस्था कहां से चलती है, गर्भाधारण से जन्म तक, कहां से, गर्भाधारण से जन्म तक, ये कब तक चलती है, जन्म तक। ठीक है, इसके बाद शैशवावस्था कहां से चलती है, कोई बताएगा, जन्म से लेके,
जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक, ठीक है। और पूर्व बाल्यावस्था कब से चलती है आपकी? आपकी 2 से लेकर 6 वर्ष, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, ठीक है। और किशोर अवस्था चलती है आपकी 13 वर्ष से 19 वर्ष तक, इसको टीन एज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? इसका ऑप्शन डी होगा। इतना आ गया समझ में सभी को? बिल्कुल, क्या होगा आपका? डी होगा। शानदार, आपने आंसर भी शानदार दिया है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, बता। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के का परिणाम है, किसका परिणाम है, कोई बताएगा? बिल्कुल, ये क्या अंतःक्रिया का परिणाम है, किसका है? अंतःक्रिया। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका सी होगा। अंतःक्रिया आपस में क्या होता है? विकास। कब विकास होगा? जब प्रकृति और पालन पोषण अच्छा होगा तभी आपका विकास होगा। तो इनमें क्या होगा? कोरिलेशन है आपस में, क्या? अंतःक्रिया करके ही क्या है? परिणाम है दोनों का, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ठीक है। चलिए, तो शानदार आप लोग आंसर बताते रहे, और लास्ट में आपको बताना है आपको 30 में से कितने नंबर आए हैं, क्या 30 में से आपके कितने नंबर सही हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन क्रमबद्धता क्रम से बचते हैं, छोटी बड़ी ऐसे, और वर्गीकरण करने लगते हैं अलग अलग, जैसे केला अलग हो गया, संतरा अलग, इसका। तो कौन सी अवस्था किस चरण में समझ लेते हैं, कोई बताएगा? तो ये आपने बताया था जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के थे, 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो पहली थी संवेदी, 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ठीक है। ये अवस्थाएं बताई थी भाई साहब ने, ठीक है। तो कहां पर होता है? तो इसका आंसर होगा मूर्त सी आंसर होगा। क्या होगा? सी। इसमें क्या करता है बच्चा? क्रम का निर्धारण करने लगता है, ठीक है। इसके बाद समय का निर्धारण करने लगता है, दिनांक करने लगता है, ठीक है। वर्गीकरण भी करने लगता है, अलग अलग वस्तुओं को वर्गीकरण, ठीक है। ये होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका? वस्तु स्थायित्व। क्या होता है कि कोई भी वस्तु फेंकने से नष्ट नहीं होती है। यहाँ पर क्या करता है बच्चा? प्रतीकात्मक समझ आ जाती है, प्रतीकात्मक खेल, जैसे कि केले को मोबाइल मान लेना, ठीक है। यहां पर क्या करता है? जटिल समस्याओं का समाधान, जटिल समस्याओं का समाधान करता है, परिकल्पना करने लगता है यहां पर बच्चा, ठीक है। और अमूर्त चिंतन करता है, कौन सा? अमूर्त। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? बिल्कुल शानदार, लाजवाब। तुम लोगों ने तो इसकी लंका लगा दी भाई साहब, क्या लगा दी? लंका। चलो इसके बाद बताएं, देखो क्या बोला गया है। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए, मतलब इसने तर्क लगाना आरंभ किया है। क्या किया है? आरंभ किया है। तो बताएं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया, कोई बताएगा? बिल्कुल शानदार। तो देखो यहां से चिंतन तार्किकता आरंभ की है, तो ये कहां पर होता है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था, 7 से 11। इसमें क्या होता है? मूर्त चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करता है, तर्क लगाता है, ठीक है, तर्क भी लगाने लगता है, आरंभ कर देता है यहां पर, ठीक है। और सबसे यहां विकास कहां होता है इसका? यहां पर, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। इतना आ गया समझ में सभी को? बिल्कुल, अभी और चीजें डिटेल में बताई हुई थी अभी जीन पियाजे से संबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं। देखो बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, अधिगम का यह सिद्धांत द्वारा दिए गए सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सही है, कोई बताएगा? तो इसने क्या बोला है? समझ ज्ञान रखने वालों के साथ, मतलब समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके ही वो अपना विकास करता है। तो समाज का किसने बताया था? समाज के अकॉर्डिंग। तो जी यहाँ पे लेब बायगोस की आया था, इनका कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, इसी को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, इसी को पार मचान हो गया, पार हो गया आलंबन, आलंबन हो गया मचान हो गया, इसी को ढांचा, ठीक है। जे भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये होगा आपका, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अवस्था का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, कि बच्चे का विकास होता है अवस्था के ना। और ये स्किनर ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, स्किनर। इतना आगे समझ में? ये हो गया। इसके बाद चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका होगा ए आंसर। ये बताओ लेब बायगोस की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा?
मतलब हमने बताया था ना, लेव वाइगोत्स्की ने बताया था पाण, कि कब कोई भी बच्चा फंसता है तो उसको क्या है अस्थायी रूप से क्या दो, मदद करो, पूरा नहीं मदद करना है। तो विद्यार्थियों को अंतर्क्रिया करके कम से कम अवसर देना चाहिए करने के, कम से कम तो ये गलत होगा, बाधित करना चाहिए गलत होगा और दंड का प्रावधान करेंगे। तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को उसके अभी गुणों को मतलब उसके अंदर जो गुण हैं प्राप्त करने में क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। बताया था ना पाड़, इसी को बोलते हैं पाड़ ढांचा, इसी को मचान बोलते हैं, इसी को आलंबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल तुम लोग लंका लगा रहे हो भाई साहब। ठीक है, तुम लोगों ने लंका लगा दी, क्या लगा दी लंका, शानदार सेशन रहेगा, टेंशन नहीं लो। चलो इसका आंसर बताओ, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, इनको नाम सुना होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें इन्होंने तीन चरण बताए थे, कितने तीन चरण हो गए और छह उपचरण बताए थे इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि बच्चे का जो विकास होता है संज्ञानात्मक, वो कैसे होता है अवस्था के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताओ इनमें क्या समानता क्या है, कोई बताएगा समानता दोनों में क्या है, विकास के आठ विधि रूप बताए, ऐसा कुछ नहीं है। आठ प्रकार की बुद्धि तो किसने बताई थी, गार्डनर ने। ठीक है, दोनों के मध्य वाला सीमा था, ये क्या है, दोनों सिद्धांत किसको है, अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने दोनों ने बताया था कि अवस्था जो बच्चे का विकास होता है वो अवस्था के अकॉर्डिंग होता है, समाज के चारों ओर रहकर, इन्होंने बताया था। और इसमें भी इन्होंने अवस्था बताई थी कि किस अवस्था में व्यक्ति नैतिक विकास सीखता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी, बिल्कुल शानदार। इसका आंसर बताओ, एक ऐसी कक्षा क्या है, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, मतलब जोड़ीदार मतलब क्या होता है, समूह में कार्य किया जाता है, समूह में कार्य करवाया जाता है बच्चों को। ठीक है, और समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता होनी चाहिए, कोई बताएगा, निष्क्रिय अधिगम होगा क्या, गलत होगा, कंठस्थ गलत होगा, निर्देशन क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम, मतलब आपस में सहयोग करके ही बच्चे क्या सीखते हैं, ये किसने बोला था, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो क्या होगा इसका, सहयोगात्मक अधिगम। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल शानदार, तुम लोग समझ गए। इसका आंसर बताओ, सभी को आंसर बताना है लास्ट में। दूसरों की मनोदशा, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना, समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना, बुद्धिमत्ता की विशेष, कौन सी प्रकार की बुद्धिमत्ता, तो हार्वर्ड गार्नर, हार्वर्ड गार्नर का नाम सुना होगा, इन भाई साहब ने क्या बोला था कि जो बुद्धि होती बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था हर बच्चे में या हर लोगों में बुद्धि अलग अलग होती है, इन्होंने आठ प्रकार की बुद्धि बताई थी, कितने प्रकार की, आठ, तो उन्हीं में से क्या होता है, वह कौन सी बुद्धि होती है जिसमें हम दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, इच्छाओं की पहचान करते हैं, कोई बताएगा, बिल्कुल शानदार। इसमें क्या होता है, ये होता है अंतर्व्यक्तित्व, क्या होता है अंतर्व्यक्तित्व, इसमें हम दूसरों की भावनाओं का पता लगाते हैं। अंतर्व्यक्तित्व क्या होता है, जब हम खुद की भावनाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरों की क्या होता है, अंतर्व्यक्तित्व, ठीक है, इसका होता है अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन, इतना होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, शानदार, तुम लोग समझ रहे, बिल्कुल ऐसे आंसर देते रहे हो। चलो इसका आंसर कौन बताएगा, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है, कोई बताएगा, भाषा और विचार के बारे में सही है, यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, गलत है जी, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों की अंतर्क्रिया करते हैं, सामाजिक संबंधों में प्रभावित नहीं होते हैं, होते हैं, ये गलत है। क्या होगा, ये है सही, आपका यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतर्क्रिया करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो भाषा और विचार आपस में रिलेट होते हैं, कैसे, अगर आपके विचार कब कर पाओगे, जिस भाषा में आते हैं, जैसे हिंदी आती है तो आप हिंदी में विचार करोगे, तो ऐसे दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर्क्रिया करता है। ठीक है, क्या करते हैं, अंतर्क्रिया। चलो इतना आ गया समझ में, इसका आंसर बताएं आप लोग, देखो इसका आंसर पढ़ें, पिपीर के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के प्रति आपतिनिधित्व स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, आप यदि घरेलू कार्यों के, जैसे एक पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत करते हैं, इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। अरे जी क्या है भाई साहब, लैंगिक रूढ़िवादिता पढ़ाया था ना हमने,
लैंगिक रूढ़िवादिता। ये क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता। इसमें क्या होता है? इसमें समाज के द्वारा बनाई गई ये प्रथा है कि लड़का रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। लड़की गुलाबी रंग के कपड़े पहनती है, लड़के नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इस टाइप से। तो ये क्या होता है? तो प्रश्न करेगा किस पर करेगा? तो ये होगा आपका लैंगिक जेंडर रूढ़िवद धारणाओं पर क्या करेगा? प्रश्न करेगा कि ऐसा आप पापा क्यों करते हैं, मम्मी आप लोग क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, चलो इतना हो गया। बिल्कुल शानदार, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। ठीक है, इसमें बोला देखो, कक्षाओं में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? देखो कक्षा में विद्यार्थियों में विविधता रहती ना, जैसे कोई अलग परिवेश से आया, किसी की भाषा अलग है, किसी की संस्कृति अलग है, तो उसको किस रूप में देखना चाहिए? किसी टीचर को लेना चाहिए बाधा, बाधा नहीं मानना चाहिए, अनदेखी नहीं करना है, सीमित करना। क्या होगा इसका सही आंसर? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। कैसा? उनको एक पॉजिटिव एरिया से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलो इसका आंसर बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर, मतलब क्या होता है? एक से पांच कक्षा तक प्रारंभिक स्तर तक आंकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? कोई बताएगा कैसे आंकलन होगा जो नई शिक्षा नीति आई है? इससे तो आपके क्वेश्चन आएंगे एक दो। रचनात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल। बच्चे को अलग अलग रूपों में क्वेश्चन, अलग अलग समस्याओं को अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। नियमित होना चाहिए, बिल्कुल, रेगुलर उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और क्या होगा? ग्रहणशीलता गलत होगा। और शिक्षण उपयुक्त के अनुरूप होना चाहिए, मतलब शिक्षण कैसे होना चाहिए? उनके अधिगम के अनुरूप, जैसे वो सीखना चाहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और बी और डी, ए बी डी। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए बी डी। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलो इसका आंसर बता नेक्स्ट। शिक्षार्थियों में समालोचना चिंतन क्या होता है? इसी को हम अपसारी चिंतन भी बोल देते हैं। क्या? अपसारी चिंतन भी बोल देते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा? एक समस्या को अलग अलग तरीके से सोचता है। करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कोई बताएगा? इसके इसको विकास करने के लिए बहुत सी प्रश्न पूछना चाहिए, गलत होगा। गैर लचीली, ये गलत होगा। वर्गीकृत नहीं करना, क्या होगा? पिछोड़ अवसर, मतलब बच्चे अपना ज्ञान सृजन के लिए प्रचुर अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपना ज्ञान सृजित कर सके, अपने टैलेंट को दिखा सके। उनके लिए क्या करेंगे? अवसर देंगे। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इनका। इतना आगे समझ में, बिल्कुल शानदार। तो जी आपको फिर बार बार बोला जा रहा है, ये आपको सेट मिलने वाले हैं 99 रुपए में। इसको बहुत जल्दी से आप लोग परचेस कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है। तो इसको जल्दी से परचेस कर लें आप सभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप लोग परचेस कर लें। और रामबाण पीडीएफ आपको 49 है, उसके साथ थ्योरी प्लस वीडियो भी मेरे मिलने वाले हैं 10 तारीख के पहले पहले। तो 8 वीडियो मिलेंगे लगभग मैराथन में, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे के। तो उसमें पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर कराए जाएंगे, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसका। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। चलो इसका आंसर बताओ। समावेशन को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? समावेशन क्या होता है? एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आपस में बैठ के क्या करते हैं, आपस में शिक्षा लेते हैं। प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन करना गलत होगा। अध्यापक केंद्रित विधियां गलत होगा। भिन्नताओं के अनदेखी करना गलत होगा। क्या होगा? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग अलग तरीके से क्रियान्वित, बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकें, समझ सकें। ठीक है, तो जी आपका होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी। इतना हो गया, बिल्कुल शानदार। इसका आंसर बताएं आप लोग। अभी अभी कथन है एक, ठीक है। अब क्या है देखो, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृतियों के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। हाँ बिल्कुल सही है। देखो समावेशन मतलब क्या होता है? ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के, सभी संस्कृति, सभी भाषा, सभी वर्ग, सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, तो पहलुओं माध्यम से शामिल किया, बिल्कुल सही है। अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को आपस में कि हाँ तुम्हें ये, हम क्या है, हम आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सही, ए और आर दोनों सही हैं। और आर ए की क्या है? सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्या करता है? आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये होगा आपका, कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। देखो
प्रकाशिक सहायक सामग्री मतलब ऐसी सामग्री जिसमें क्या ज्यादा दिखता है और बड़े और फॉन्ट का बड़ा आकार करना। क्या है फॉन्ट मतलब जो लिखने का तरीका होता है, जैसे लिखते ना कोई ऐसे हो जाते हैं फिर छोटे, तो उनके आकार का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त होती है। तो ऐसे विद्यार्थी को है दृष्टि के आंशिक क्षति मतलब जिनको कम दिखता है या सही से देख नहीं पाते हैं उनके लिए इस प्रकार की सामग्री यूज की जाती है। ठीक है तो क्या होगा आपका ए होगा। ठीक है क्या होगा आपका ए होगा। ठीक है तो ये होगा आपका ए होगा। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। सोलिनता विकार से जूझ रहे, सोलिनता क्या होता है इसको बोलते हैं ऑटिज, ऑटिज। ठीक है इसमें क्या होता है सोलिनता मतलब क्या होता है ऐसे बच्चे जो स्वयं में लीन होते हैं, क्या होते हैं स्वयं में लीन होते हैं। ठीक है याद रखना ये क्या होता है मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाता है बच्चों में, ये जन्म से 3 वर्ष तक होता है, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है ये विकार। ठीक है इतना हो गया। चलो इससे विद्यार्थियों के प्राप्त कौन सी दृढ़ता सामर्थ्य है मतलब इनमें से कौन सा इनको जो अधिक मात्रा में क्या होते हैं दृढ़ होते हैं मतलब जिनमें सामर्थ्य होते हैं। इसके बाद इसमें कमियां क्या होती है इसमें बच्चे क्या होते हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद कौन सा संचार कौशल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये क्या होगा विवरणों के प्रति सजगता से ध्यान देते हैं, विवरण कोई भी कार्य हो उसको रटने में क्या होते हैं माहिर होते हैं। ठीक है तो ये होगा ए, इसमें तो इनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है इसमें क्या होते हैं इनमें प्रॉब्लम आती है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान मतलब अनेक अलग अलग तरीके से कोई भी समस्या है जैसे क्या हो गया राखी से बोला कि दिल्ली की विशेषताएं बताओ तो वो बहुत सारी बता देती हैं। ठीक है तो समाधान प्रस्तुत कौन सा समाधान या राखी के किस पक्ष की ओर वो करता है कोई बताएगा, तो ये होता है विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। वो कैसा है विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी है जिसका आईक्यू लेवल कितना होता है 140 प्लस होता है। ठीक है जो बच्चा क्या अलग अलग तरीके से समझता है, जैसे अपसारी चिंतन होता है, आपका अपसारी चिंतन नहीं होता है इसमें हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जैसे हमने बोला मध्य प्रदेश की विशेषताएं बताओ तो आप लोग अलग अलग तरीके से, तो जब एक समस्या को कई रूपों में आप देखते हो तो वो होता है कौन सा विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान होता है जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। ठीक है बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ अभिकथन ए, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रम कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। अब बताना तर्क क्या है इसमें, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल बच्चों में क्या होती है अपने आप में कैपेबिलिटी होती है कि वो नवीन ज्ञान को सोच सके समझ सके, तो दोनों क्या होंगे दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की क्या है सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए होगा। ठीक है तो बिल्कुल शानदार तुम लोग समझ गए होंगे क्या होगा ए होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो YouTube पर देखकर मतलब 14 वर्ष की माया है उसने क्या किया, एक YouTube होता ना उसमें किसी युवक के क्या है वीडियो देखकर पेंटिंग करना सीखती है, क्या करती है पेंटिंग सीखना। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रतिक्रियाओं का अनुसरण करती है, माया के अधिगम का संज्ञा दी जाएगी, बताओ कौन सा। तो ये होता है आपका अवलोकनात्मक अधिगम, क्या होता है दूसरों से सीखना, क्या होता है दूसरों से सीखना, दूसरों से देखकर सीखना या उनके वीडियो देखकर सीखना, अवलोकन करना मतलब दूसरों का। ठीक है तो ये होगा अवलोकनात्मक अधिगम होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है बिल्कुल शानदार तुम लोग आंसर बताना, ठीक है सभी लोग ऐसी शानदार तरीके से पढ़ना, ठीक है बिल्कुल तुम लोग आंसर देते रहना और इसी तरह से शानदार आपको पढ़ना भी है। देखो अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है, अगर बताओ अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से कब होगा, अधिगम मतलब सीखना अधिक हम कब सीखेंगे कोई बताएगा, भयमुक्त हो। चलो देखते अध्यापक अंतरों का अनदेखा कर देना गलत होगा, अमूर्त तो ये गलत होगा और अपनापन ना जाए अपना या ना जाए ये गलत होगा, क्या होगा कक्षा कक्षा बात मतलब कैसा अगर कक्षा कक्षा वातावरण क्या होगा भयमुक्त, उसमें डराना नहीं चाहिए, टीचर डरा के नहीं रखे बच्चों को, उनको भयमुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से बच्चों को छोड़ देगा, तो वहां अधिगम क्या होगा अधिक प्रभावी भी होगा। ठीक है चलो इतना आ गया बिल्कुल शानदार, ऐसे ही आंसर देते रहे आप लोग।
इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, मतलब इनमें से कौन सा गुण है जो विद्यार्थियों में क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति गलत होगा, कार्यात्मक जुड़ना, अभिसारी चिंतन गलत होगा, ये होगा समालोचनात्मक चिंतन, इसी को बोलते हैं कौन सा, अपसारी चिंतन। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचता है और अलग अलग तरीके से सोचता है, तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन, बिल्कुल शानदार, तुम लोगों ने ऐसे आंसर दिया है। नंबर बताना आपको कमेंट में, ये भी बताना कैसी क्लास लगी है, ठीक है, कमेंट के आपको आंसर, आपको कमेंट देखे जाएंगे, कल हम बताएंगे किस किस ने क्या बोला था, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया जिसमें निर्धारित चरण दर चरण, मतलब क्या, इसमें चरण से चरण, मतलब एक क्रम से तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, तो ये कौन सा होता है, कोई बताएगा, ये होता है आपका कलन विधि, इसको बोलते हैं कौन, एल्गोरिथम, क्या होती है ये विधि, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये होती है आपकी, इतना आ गया। इस विधि में क्या होता है, एक प्रकार का सूत होता है, इसमें क्या होता है, सूत, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला टाइप में होते हैं, फिर तुम्हें क्रम से चलना पड़ता है इन विधि में, ठीक है। ये कौन सी विधि होती है, कलन या एल्गोरिथम विधि, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आपको। चलो इतना हो गया, इसके बाद बताएं इसका आंसर, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो अब ये है कूट में है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है, आकलन के, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों घेरा बना देना चाहिए, गलत होगा, अधिगम के बारे में जानने के लिए अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है, सहपाठी आकलन का एक दूसरे के बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सजग होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्या होगा इसका, दो तीन चार, दो तीन चार कहां पर है, जी होगा आपका डी ऑप्शन, दो तीन चार, क्या होगा इसका ऑप्शन, दो तीन चार, ठीक है, जी आपका सही होगा। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है 27वां, इसका आंसर बताओ, विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, पृथक नहीं है, जी भी सही, हाँ बिल्कुल, देखो विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया भावनात्मक पहलुओं को ध्यान से रखना चाहिए, कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसे वो करते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं क्या होती है, हमारे संज्ञान, हमारे दिमाग से जुड़ी रहती है, अगर बच्चा सही से क्रोध करता है या गुस्सा करता है वो सही से अधिगम नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों क्या है, सही है, ठीक है, ये और दोनों सही है, और आर एक क्या है, सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, इतना आगे समझ में सभी को, बिल्कुल शानदार, सभी समझ गए होंगे। चलो इसके बाद बताएं नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा, बताया था ना, अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब होता है ऐसा ऐसा ऐसी चीज जो तुम्हें क्या कर दे, लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दे, इसमें होता है आंतरिक, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक क्या होती है, जब हम खुद से स्वयं से मोटिवेट होते हैं, अगर हमारे अंदर स्वयं से मोटिवेट होते हैं कि हमें इस बार पेपर निकालना है तो वो होगा आंतरिक, बाहर क्या होता है, हम दूसरों को जैसे पुरस्कार के लालच में हम होते हैं मोटिवेट, या दंड के लालच में, या किसी को खुश करने के लिए होते हैं तो वो होते बाहर, तो क्या होगा आंतरिक, क्या होगा अनुरुचि, अनुरुचि मतलब अभिरुचि, हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा तो वो क्या है आपका है आंतरिक, और जी हो गए आपके वह अभिप्रेरणा हो गए, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका क्या होगा बताओ आंसर, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं, कोई बताएगा, और व्यक्तिगत कारक नहीं है, परिवेशीय होना चाहिए, समझ का स्तर व्यक्तिगत होता है, भावनात्मक भी व्यक्तिगत होता है, सीखने के लिए आंतरिक भी व्यक्तिगत, लेकिन ये क्या आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये कैसा है, वातावरणीय कारक है, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सभी शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब क्या होती है, ऐसी सामग्री जो अधिगम को सरल बना दे, जैसे कुछ दृश्य सामग्री होती है, कुछ शब्द होती है, जैसे चार्ट वगैरह हो गया, चित्र वगैरह हो गया, डायग्राम हो गया, वीडियो प्रोजेक्टर जो होते हैं, तो क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, आज ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन कल से आपको 1 बजे से बाल विकास का, 3 बजे पर्यावरण का रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो इसमें से बताएं, आलेखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, कोई बताएगा, अधिगम के लिए मतलब सीखने में आपको कौन सा इनमें से कारक है जो बाधा पैदा करेगा, कोई बताएगा, लचीला पाठ्यक्रम नहीं करेगा,
अधिगम के लिए बहु संवेदी को काम हम जीवनी करेगा अलग अलग संवेदी अंगों का यूज करना, आंखों का, हाथ का, एक समान योजना के आधार पर समूहीकरण करना, अध्याप रचनावादी शिक्षा का प्रयोग करना, जे भी बाधा नहीं होगा, लेकिन जे गलत होगा, क्या होगा, सी बाधा पैदा करेगा। अगर तुम हर सभी बच्चों को एक तरीके से पढ़ा रहे तो वो क्या होगा, बाधा के रूप में होगा, क्योंकि हर बच्चों की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो वो एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा आपका सी होगा, ठीक है। अब ये भाई आपका आज का सेशन है, आपको बताना है आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर 30 में से कितने नंबर आए हैं आपको, ठीक है। और अब आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपके चैनल पर, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, मैराथन वगैरह आ रही, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को बताना है, क्योंकि इस बार आपका पार होगा सीटेट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पर्यावरण के, ठीक है। तो सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू दोस्तों।